जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे। साथियों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि अब आपका 30 जुलाई को होने वाला है, लेकिन अब बच्चों को कुछ प्रॉब्लम है, समस्याएं हैं। बच्चों की समस्याएं क्या है, वो ये है कि जो उनके एग्जाम है ग्रेजुएशन के, वो भी 30 जुलाई को है और उनका एंट्रेंस एग्जाम भी 30 जुलाई को है, तो अब उसका क्या समाधान होगा, तो उसको लेकर भी आदेश जारी कर दिया है। यानी कि जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं दिनेश शर्मा जी, उन्होंने उसके लिए आदेश जारी कर दिया है यदि आपका उसी डेट में पेपर है। अब क्या आदेश जारी हुआ है उसको मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा। और यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की वीडियो शुरू। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि एजुकेशन से जुड़ी कोई भी अपडेट होती है सबसे पहले मैं आप तक पहुंचाता हूं इस चैनल के माध्यम से। साथियों, यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम जो कि हर साल उत्तर प्रदेश में बीएड में एडमिशन के लिए कराया जाता है, तो इस बार भी आपका एंट्रेंस एग्जाम पहले मई में था, फिर उसको 18 जुलाई को रखा गया, अब फाइनली वो आपका 30 जुलाई को है। और हो सकता है 30 जुलाई से आगे डेट ना बढ़े, 30 जुलाई को आपका एंट्रेंस एग्जाम होना है। लेकिन अब इसमें बच्चों की समस्या ये थी कि सर, हमारा 30 जुलाई को ही हमारा बीएससी का पेपर है, बीए का पेपर है, हमारा इस चीज का पेपर है, यानी कि वो डेट क्लैश कर रही थी। अब बच्चे उस डेट में आपको एंट्रेंस एग्जाम देंगे या उस एग्जाम को देंगे, तो उसके लिए जो उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं उन्होंने आदेश जारी कर दिया है कि अब आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो तो आपको 30 जुलाई को ही होगा। अब जो यूनिवर्सिटी, जो किसी भी आपका यूनिवर्सिटी का पेपर है, चाहे वो आपका वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का है, छत्रपति साहू जी महाराज का है, चाहे सीसी यूनिवर्सिटी का है, किसी भी यूनिवर्सिटी का वो आपका पेपर है उस डेट में, तो यूनिवर्सिटी को उस डेट का पेपर चेंज करना पड़ेगा। यानी कि उस पेपर की जो डेट है आपकी, वो डेट चेंज हो जाएगी। यानी चाहे वो आपका बीएससी का हो, बीकॉम का हो, किसी का भी कोर्स का आपका पेपर हो 30 जुलाई को किसी भी कोर्स का आपका पेपर हो, वो आपका चेंज किया जाएगा। यानी कि इसके लिए आदेश जारी कर दिया है उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा जी ने। तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया जो लास्ट वीडियो बनाई थी कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, उसमें आपकी जो डेट है पेपर की वो चेंज कर दी जाएगी। यानी कि एंट्रेंस एग्जाम आपका 30 जुलाई को ही होना है, आपके जो कोर्स की डेट है, यानी कि जैसे आपका बीएससी का किसी कोर्स का पेपर है या बीए का है, बीकॉम का है, तो वो डेट चेंज की जाएगी। क्लियर है आपको? तो जैसे ही कोई और अपडेट आती है आपके एंट्रेंस एग्जाम को लेकर, एडमिट कार्ड को लेकर, जैसे ही आपके एडमिट कार्ड जारी होंगे तो उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा इसी चैनल पर। तो यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।